चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि दो लीनियर इक्वेशन है, उसमें से पता करो ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। जो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको उसको एक्स एंड वाई की वैल्यू ढूंढनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ना शुरू करता है। इन ईच ऑफ द पॉलीनोमियल सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ एज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन द केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमें क्या करना है, तो हमें पहला स्टेप तो वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, सेम वे ए टू एक्स बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चा हम सबसे पहले ए वन क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे टू, ए टू जो है आप बोलोगे सर सिक्स, सेम वे आप यहाँ पे बोलोगे बी वन क्या लिखोगे, तो बी वन जो है हमारा थ्री, बी टू जो है फाइव, सेम वे सी वन जो होगा सेवन, सी टू है इलेवन। यहाँ तक क्लियर? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, पहले हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन, या हम पहले लिख लेते हैं ये रेशियो के फॉर्म में, वो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। ए वन हमारा है टू बाई सिक्स, तो हो जाएगा वन बाई थ्री। ए टू जो है वो आप बोलोगे सर बी वन जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वन अपॉन बी टू, तो ये थ्री अपॉन फाइव है, ये रहा थ्री अपॉन फाइव। तो बच्चा हमारा काम तो हो गया, हमें जो ये कंडीशन फुलफिल करनी थी, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो हम लिख सकते ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो यहाँ पे आप लिखोगे सर इसकी कंडीशन क्या होगी, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा बच्चा? यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें आगे जाना पड़ेगा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें कौन से मेथड कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो हम एलिमिनेशन मेथड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो सबसे पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको 2 दिया, अब लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, क्योंकि हम इक्वेशन 1 को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ 2x है, यहाँ 6x है, तो आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 6x 9y और यहाँ पे 21, और इसको इक्वेशन आप दे दोगे 3। क्या कर दोगे बच्चा? तो इक्वेशन 3, तो यहाँ पे जैसे ही होगा 6, अब सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो 2 वाला इक्वेशन लिखते हैं 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। यहाँ पे लिखेंगे हम तीसरा इक्वेशन 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 21, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे बच्चा आपको ये पॉइंट क्लियर होना है, 6x कट हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो होगा 4y, माइनस में 21 में से आप बोलोगे सर 11 जाएगा तो हो जाएगा क्या 10, और ये माइनस में, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर आगे चलते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 4, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये 2.5 आ जाएगा। जैसे बच्चा ये पॉइंट क्लियर होता है तो अब हम आगे जा सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन, आपको कौन सा लेना है बच्चा, अब इक्वेशन यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 1, 2, 3, तो हम 1 में ही लेते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 2x 3 का 3, y की जगह हम लिखेंगे 2.5 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 2x ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे तो 25 इंटू 3 करोगे तो 7.75 होगा, 0.1, तो हमने 77.5 लिख दिया। फिर से एक बार 25 इंटू 3 करते हो तो 75 होगा, हमें एक डेसिमल दिया हुआ है तो एक पॉइंट लगा दिया, बस इतना पॉइंट है। 2x इज इक्वल टू, अब बोलोगे 7 माइनस 7.5, तो x इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 2, थोड़ा और प्रॉपर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 5 अपॉन 2 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे कितना 10 लिख देंगे, और यहाँ पे अब सॉल्व करना है तो ये 2 से कट, यहाँ पे बच्चा माइनस, ये भी होगा माइनस, ध्यान में रखना ये माइनस करना भूलना नहीं,
और जैसे ही हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, माइनस में आंसर आ जाएगा। इसके साथ हमारा ये सम खत्म हो जाएगा। तो प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा, बहुत सिंपल सम है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल सम है, यहाँ तक तो नॉर्मल, हमें कैलकुलेशन पार्ट तो पहले करते थे वैसे है। ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम।